मैं स्टार्ट नाउ करूं वी आर कि लाइव हेलो मैम, वी आर लाइव। निश्चित रंजना मैम, वी आर लाइव। जी सर। हेलो रंजना मैम, वी आर लाइव, प्लीज हाँ जी स्टार्ट मैम। बिल्कुल, स्टार्ट करें। यस मैम। सभी को नमस्कार। महाविद्यालय की प्राचार्य की अनुमति से मैं आज की कार्यशाला की शुरुआत कर रही हूँ। आप सभी का स्वागत है। जो नेशनल कैरियर ओरिएंटेशन ई वर्कशॉप दिशा 2021 चार दिवसीय कार्यशाला महाविद्यालय में चल रही है, उसका आज तीसरा दिन है और आज का विषय है फोटोग्राफी। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि इसका आयोजन गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल, स्वामी विवेकानंद गाइडेंस सेल और पीजी डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वर्ल्ड बैंक स्कीम MPHEQIP के अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड है। तो आज ये कार्यशाला जो फोटोग्राफी पर आधारित है, इसमें विशेष बात में पुनः स्मरण करवाना चाहूंगी हमारी छात्राओं को, जैसे कि वो प्रतिदिन चैट बॉक्स पर अपने क्वेश्चंस या प्रश्न, जिज्ञासा, क्वेरीज डालती हैं। तो आज हमारे दो स्पीकर हैं, गेस्ट स्पीकर दो हैं, वो उनके व्याख्यान सुन के अपने जो क्वेश्चंस है वो डाल सकती हैं। और विशेष खुशी की बात आज यह भी है कि हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर ने अपने मोबाइल नंबर भी उपलब्ध कराए हैं, जो आपको चेक बॉक्स में ही मिलेंगे। तो आप प्लीज उस मोबाइल नंबर से बाद में भी अगर आपको प्रश्न कभी लगता है, आज जब लाइव नहीं आपको उत्तर मिलते हैं तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो हमारे गेस्ट फैकल्टी की इस सहजता के लिए मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि छात्राएं इस प्रकार की सुविधा से विशेष लाभान्वित होंगी। अब मैं जो आज की मुख्य कार्यक्रम का आधार है हमारी IQAC सेल की जो कोऑर्डिनेटर है प्रोफेसर नीता तपन मैडम, डॉक्टर नीता तपन मैडम को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो थीमेटिक बैकग्राउंड के लिए डिटेल्स बताए। ओवर टू डॉक्टर नीता तपन मैडम। थैंक यू मैडम। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। सेल्फी लेना, अपने बगीचे में खिले किसी फूल का फोटो खींच लेना, परिवार या मित्रों के ग्रुप फोटो लेना, बहुत पुराने जर्जर फोटो का फोटो खींचकर उसे नया जीवन देना, पर्यटन के दौरान किसी खूबसूरत स्पॉट को मोबाइल में कैद कर लेना, वीडियो बनाना, कोई खास डिश बनाओ तो उसका फोटो खींच लेना, जानवर, चिड़िया, प्रकृति, व्यक्ति, किसी भी मोमेंट को कैच कर लेना, एडिट मोड में जाकर इफेक्ट्स डालना, फिल्टर लगाना, कोलाज बनाकर शेयर कर लेना, पिक्चर या वीडियो क्वालिटी कुछ हमारे डिवाइस से, कुछ हमारे हुनर से निर्धारित हो सकती है, लेकिन आज हम सभी छोटे मोटे फोटोग्राफर्स तो हैं ही। सज धज कर स्टूडियो में जाकर फोटो खिंचवाने की बिरली विलासिता के दौर से पर्सनल कैमरा खरीद पाने के गौरव से होते हुए आज हर इंसान के पास मोबाइल में कैमरा, स्टूडियो और छापने या पोस्ट करने के लिए अनेक प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं। तो युवा पीढ़ी या अन्य हुनरमंद अपने इस शौक को प्रोफेशनल करियर या पेड ऑप्शन के रूप में अपनाना चाहें तो क्या हैं विकल्प, रास्ते, प्रशिक्षण, योग्यता और तरीके, हम जानेंगे आज के हमारे दो आमंत्रित विशेषज्ञों से। एक जिन्होंने पुराने दौर में क ख ग से शुरू कर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की, श्री सुरेश पंजाबी जी, और दूसरे उनके बेटे श्री प्रतीक पंजाबी जी, जिन्होंने विरासत और खून में मिले कौशल को नए युग के बदलाव में ढालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण से तराशा। सो इंटरनल क्वालिटी अश्योरेंस सेल, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज उज्जैन, मध्य प्रदेश, वेलकम यू ऑल एंड आवर एस्टीम्ड गेस्ट्स ऑन द थर्ड डे ऑफ दिशा 2021, अ 4-day नेशनल करियर ओरिएंटेशन ई वर्कशॉप टू शेयर ऑन करियर इन फोटोग्राफी। थैंक यू।
अब मैं संचालन के सूत्र पुनः इतिहास विभाग की प्रोफेसर और स्वामी विवेकानंद करियर गाइडेंस सेल की मेंबर डॉक्टर रंजना शर्मा मैडम को सौंपती हूँ। ओवर टू यू मैडम। धन्यवाद तपन मैडम। जैसा कि मैडम ने बताया आपको, जो हमारी कार्यशाला का तीसरा पड़ाव है Day 3, जो कि फोटोग्राफी पर आधारित है, आज जो मुख्य रूप से इनवाइटेड जो गेस्ट स्पीकर फर्स्ट हैं, उनके इंट्रोडक्शन, उनके स्वागत, उनके अतिथि परिचय, उनके वेलकम के लिए मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर नैन्सी चौहान मैडम, जो IQAC सेल की सीनियर मेंबर भी है, आपको सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर नैन्सी चौहान मैडम, ओवर टू यू। धन्यवाद रंजना मैडम। सभी को नमस्कार। ऑन दिस थर्ड डे ऑफ दिशा ई वर्कशॉप वी हैव टू एमिनेंट गेस्ट स्पीकर्स विद अस। वी हैव मिस्टर सुरेश पंजाबी एंड हिज सन मिस्टर प्रतीक पंजाबी, हु बोथ आर अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर्स। टुडे दे आर गोइंग टू गाइड द स्टूडेंट्स ऑन द करियर पॉसिबिलिटीज इन फोटोग्राफी। ऑन बिहाफ ऑफ अवर कॉलेज, इट इज माई प्राउड प्रिविलेज to greet and welcome you both in this e-workshop. I welcome you, sir. I also welcome the patron and the chairperson of this e-workshop, our respected principal, Dr. Anita Manchandia Madam, the IQAC, and this workshop's coordinator, Dr. Neeta Tapan, and all the participants. आज दुनिया के ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे एक अच्छा और महंगा कैमरा खरीदकर अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं, लेकिन फोटोग्राफी एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक फोटो को बेहतरीन तरीके से लेने में अच्छे कैमरे के साथ असीमित हुनर की भी आवश्यकता होती है। और आज हमारे साथ ऐसे फोटोग्राफर्स जुड़े हैं जिनमें फोटोग्राफी को लेकर एक ऐसा ही हुनर है, और आज वह और उनकी टीम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लोगों को बेहतरीन फोटोग्राफी की सर्विसेज प्रदान कर रहे हैं। आज इस वर्कशॉप के हमारे पहले गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर सुरेश पंजाबी जी, जो हमारी छात्राओं को फोटोग्राफी में करियर की संभावनाओं को लेकर कुछ ऐसी अमूल्य बातें बताएंगे जिन पर अमल करके हमारी छात्राएं भी फोटोग्राफी के क्षेत्र में अपना करियर आसानी से बना पाएंगी और जिंदगी में नई ऊंचाइयों को छू पाएंगी। हमारे गेस्ट स्पीकर अपना उद्बोधन शुरू करें उसके पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। मिस्टर सुरेश पंजाबी इज ए नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फोटोग्राफर एंड इज द फाउंडर ऑफ द वेरी फेमस सुहाग स्टूडियो बेस्ड एट नागदा मध्य प्रदेश। ही स्टार्टेड हिज करियर इन 1974 एट द एज ऑफ 17, and from black and white plate to digital world, he has seen every aspect of photography. With over 40 years of experience in professional photography services, he and his studio have been capturing memorable moments for thousands of people across the globe, and they have truly set a benchmark in the field of photography. In September-October 2014 edition of The Best of Time Out India magazine, he was selected in the top 10 best photographers list. His photographs have also been exhibited at various famous locations like India Habitat Center, Georgia Gallery Russia, and Art Heritage Gallery Delhi, to name a few. In 2019, Photography in India book published in London also mentioned Mr. Punjabi's journey on his career as a photographer. We are extremely honored to have such a great personality with us for today's e-workshop. Now, I would like to request Mr. Suresh Punjabi to please start the e-workshop. Sir. Ji, namaskar. Aap sabhi ko. विशेष रूप से मैं आपके पूरे महाविद्यालय ग्रुप में डॉक्टर अनीता मनचंदिया, डॉक्टर नैन्सी चौहान, डॉक्टर नीता तपन, डॉक्टर भारती श्रीवास्तव, जिन्होंने
मुझे आप सबके सम्मुख आने का एक अवसर दिया। मैं उन श्रोताओं को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिन्होंने अपने फोन पर मोबाइल पर मुझे इस आज के कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं अति प्रसन्न हूं दिल से कि आज आप लोगों के सम्मुख आया हूं। ये तय है कि फोटोग्राफी दौर में काफी परिवर्तन आए हैं। लगभग चार पीढ़ियां फोटोग्राफी की मैंने सफर में देखी है। चार इस वजह से आपको जानकारी देना जरूरी है पिछली फोटोग्राफी की, क्योंकि पिछली फोटोग्राफी की कुछ जानकारी होने से, कुछ अतीत की जानकारी होने से भविष्य के लिए आदमी कुछ अच्छे से समझ पाता है। कल, आज और कल, जहां तक कल की जानकारी में आएंगे, वहां पे उस समय कितनी परेशानियों में सामना करना पड़ता था एक फोटोग्राफी में, एक फोटोग्राफर को भी अक्सर संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। एक कैमरा ऐसा होता था, आपने सुना होगा फिल्म, जिसमें 12 फोटो आते थे और वो 12 फोटो एक्सपोज होने के बाद उसे डेवलपिंग करना पड़ता था। डेवलपिंग एक मैनुअल प्रोसेस था, उसके लिए कोई मीटर या कोई भी ऐसा माप नहीं था जो आपकी सोच पे आधारित था कि आप उसको अच्छा करने के लिए कितना समय और कितना अनुभव आप उसको बता पा रहे हैं। निश्चित उसके बाद, पूरी डेवलपिंग होने के बाद फिल्म सूख जाती थी, उसे हम नेगेटिव के रूप में बोला करते थे। उस नेगेटिव पे वर्क करना पड़ता था, पेंसिल टचिंग करना पड़ता, चेहरे के रिंकल्स, खूबसूरती बढ़ाने के लिए कुछ आंखों की आईलाइनर वगैरह 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 ऐसा करना। आज नेगेटिव तैयार होने के बाद उसे इलार्जर के थ्रू प्रिंटिंग पे लेना पड़ता था। प्रिंटिंग के लिए भी ऐसा कोई मशीन या ऐसा कोई मापदंड नहीं था कि इसे कितने अच्छे रिजल्ट दिए जाएं, वो भी एक अपनी सोच पर आधारित था। अब प्रिंट हो जाता था, प्रिंट के बाद उस प्रिंट को सुखाकर, उसको टचिंग कर डार्क है, लाइट है, और सबसे बड़ी बात क्या रहती थी कि क्लाइंट को, आपके पास जो क्लाइंट आया है उसमें आपको सोच देना पड़ती कि इसे क्या पसंद आएगा। आज एक गीतकार को ढूंढ लिया जाए तो उसके पास क्या ऑडियंस कैसे है, उसको कैसा गीत की प्रस्तुति देना है, तो ये इस क्षेत्र में भी रहता था और वो आज भी है। सिर्फ एक फोटोग्राफी करके आपने अपने मन से करा कि ये बहुत आर्टिस्टिक फोटो है तो वही सब कुछ जरूरी नहीं है। आप किसको दे रहे हैं उसकी पसंद के अनुरूप बनाना है। किसको लाल कलर पसंद है, या जब भी कपड़े खरीदने जाएंगे किसको लाल पसंद है, किसको पीला है, किसको नीला है, ये आपकी सोच पे आधारित है कि आपको कैसा काम देना है। ही रही पिछली फोटोग्राफी में जो संघर्ष आता था और एक फोटोग्राफर बनने के लिए कई सालों तक उसको मेहनत करना पड़ती थी, कई कई सालों तक। जैसे 8 तो जीवन भी पूरा हो जाए तो कम ही रहता है, उसमें सीखने के लिए हमेशा हर उम्र में हर समय सीखने के लिए दिलों दिमाग से आदमी तैयार रहता है।
और फिर इस आर्ट लाइन में जो भी आता है उसकी सोच बदल जाती है। सच पूछो तो एक उसकी तीसरी आंख खुल जाती है, वो आर्ट की। वो हर चेहरे को, हर वस्तु को अपने तीसरे नेत्र इन द सेंस अपने एंगल से उसको देखता है। और ये जब खुलता है तीसरा नेत्र, जब जिसके अंदर जितना भी गहरी स्टडी की जाए, निश्चित है कि इस काम में आने के लिए एक सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। ये सकारात्मक सोच के लिए मतलब ऐसा है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। कठिनाइयां आती है, हर कार्य के लिए कठिनाइयां आती है, इसमें भी आती है कठिनाई। अपने मन में ठानना पड़ेगा कि उड़ान के लिए पंखों की जरूरत नहीं रहती, हौसलों की जरूरत रहती। इतना कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो 100% सफल। और यह आर्ट लाइन जो है इसमें आप अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं, अपना व्यवसाय भी कर सकते हैं। हालांकि मैं इसमें व्यक्तिगत जहां तक बात आ रही है, मैं एक शौकिया फोटोग्राफर था, उस रूप में मैंने इस फोटोग्राफी को सीखा था। काफी अच्छा महसूस हुआ उस जमाने के हिसाब से। मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी पसंद है, मेरा शौक है, इसे क्यों नहीं व्यापार किया जाए। उसको व्यापार में लिया, निश्चित डे बाय डे मुझे लोगों ने पसंद करा। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आज मुझे ईश्वर ये मुकाम देगा। कई बार घबराहट हुई मन में थोड़ी सी कि आज विदेशों में एग्जीबिशन लग रही है, इंडिया में बड़ी बड़ी एग्जीबिशन लग रही है और मैं एक छोटे शहर से हूं। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, महाकाल की नगरी का एक उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा शहर नागदा है। कहीं इस बार महसूस हुआ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी वाले हैं, है ना, चेन्नई है, बॉम्बे है, दिल्ली है, मद्रास है, बेंगलोर है, आज हम फोटो भेजते हैं तो मुझे क्या चुनेंगे। पर एक सोच को बदलना पड़ा। निश्चित मेरे साथी यहाँ कहीं ना कहीं से मुझे ऐसे मनोबल मिलता रहा कि हम कामयाब तो होंगे, है ना। नेगेटिविटी हटाना पड़ेगी दिल से, कहीं ऐसी सफलता मिली जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर्वप्रथम दिलों दिमाग से ये चीज हमेशा ही हर आदमी को हटाना है कि मैं क्या कर पाऊंगा। सब कर पाएंगे, सब में ईश्वर ने बुद्धि दी है, समझ दी है। नकारात्मक विचारों को हटाना पड़ेगा तो हमें एक सही दिशा में चलने के लिए बड़ी हिम्मत होगी। अब दूसरी बात आ रही है, सब बच्चे चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अपनी करियर के लिए दिशा चुनना पड़ता। ये समय सबके लिए बड़ा मुश्किल भरा रहता है कि हम कौन सी दिशा में जाएं। अब क्या एक दिशा में चलने के लिए आधे रास्ते से यदि भी लौटते हैं तो वो एक जिंदगी का समय जाता है। हालांकि कुछ अनुभव मिलते हैं, पर लोगों का, सबका, स्टूडेंट्स का यह सोचना रहता है कि मैंने मेरी जिंदगी के साल दो साल बिगाड़ दिए। यह जरूरी है उस दिशा में जाने के लिए, उस राह में कितनी
परेशानियां आती हैं, कितने सुखद अनुभव आते हैं, उसका रिटर्न क्या है, ये जरूरी है सबके लिए सोचना। मैं आपको विस्तृत जानकारी आज सिर्फ उस फोटोग्राफी पे देने आ रहा हूं कि वो समय कल का बीत गया जो काफी संघर्षमय था। उसको संघर्षमय में इसीलिए कहूंगा क्यों, मैंने वो भी समय देखा है फोटोग्राफी का, पिछले 40 वर्ष 45 वर्ष पूर्व से कितनी मेहनत रहती थी और आज का भी समय देखा है। उसमें हमें कहीं भी एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई संभावनाएं कम होती थी। यदि भी एक 12 फिल्म का एक रोल में हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, दो नेगेटिव से ज्यादा भी वेस्ट होती है, तो मान के चलिए कि लगभग हमारा प्रॉफिट नहीं गया। पर अब वो समय नहीं है, अब डिजिटल युग है। अब तो ऐसा है, हर आदमी फोटोग्राफी को बहुत कुछ समझता है, बहुत कुछ जानता है मोबाइल के जरिए। कहीं फोटो ले लेते हैं, कहीं डिलीट कर देते हैं। अब पहले से ज्यादा आवश्यकता फोटोग्राफी की, पहले तो स्टूडियो में जाना पड़ता था या फोटोग्राफर को कॉल करना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। अभी आप अपने मोबाइल से अपने स्टेप ले लेते हैं, अपने छोटे मोटे फंक्शन ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो DSLR वाले फोटोग्राफर लुप्त हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहां तक स्टूडियोज की बात है, स्टूडियो लुप्त होते जा रहे हैं। अब निराश ना हो कि फोटोग्राफी लुप्त हो रही है, स्टूडियो लुप्त होते जा रहे हैं। मैं सिडनी गया था, मेलबोर्न गया, वहां मुझे कई कई किलोमीटर तक स्टूडियो नहीं दिखे, 7-7, 8-8 किलोमीटर तक, 10-10 किलोमीटर तक स्टूडियो नहीं दिखे। बहुत मुश्किल से कोई पुराने हमारे सर के सीनियर फोटोग्राफर बैठे थे, क्योंकि उसके अलावा उनको कुछ करना आता नहीं था। आज आप मेट्रोपोलिटन सिटी में जाइए आप, तो आपको कहीं डिस्टेंस के बाद, बड़े लंबे डिस्टेंस के बाद, कई किलोमीटर के बाद कोई स्टूडियो मिलता है, लेकिन छोटे शहरों में ऐसा नहीं है। उसका कारण यह है कि अभी हर कोई छोटे मोटे फोटोग्राफ्स अपने सेलफोन पे ले लेता है। आज किसने अच्छी ड्रेस पहनी, उसको ऐसा लगा कि आज मेरी एनिवर्सरी है, आज मेरे बच्चे का बर्थडे है, छोटे से फंक्शन के लिए वो अपने मोबाइल से ले लेते हैं। लेकिन फोटोग्राफी में और बढ़ावा हुआ है। अब दो बात आती है, अभी तो आपने कहा कि मैंने आपको कहा स्टूडियो लुप्त होते जा रहे हैं और फोटोग्राफी में बढ़ावा होता जा रहा है, ये विचारणीय प्रश्न है। स्टूडियो खोलने के लिए आपको एक स्थान की जरूरत रहेगी, आपको शहर के मध्य आने की जरूरत रहेगी, उसमें आपको फुल टाइम सेटिंग देना पड़ेगी। यदि भी आपके पास कस्टमर है तो उसको आपको डील करना नहीं है, तो आपको वहां ड्यूटी देना है। ये आपके समय का दुरुपयोग है। जब तक कस्टमर है तब तक तो आप बिजी हैं, तब तक तो अच्छा है, तब तो आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जब कस्टमर नहीं है तो भी आपको ड्यूटी देना, हो सकता है कौन आ जाए मेरे लिए। अब समाप्ति हो गई, अब तो उसके लिए ना तो दुकान के इन्वेस्ट की स्टूडियो की जरूरत पड़ रही है, ना आपको सारा दिन सिटिंग की जरूरत पड़ती है। इन युवकों को मैं बता दूं, अब और अच्छा ये हो गया है कि आपको कॉल पे बुलाया जाता है कि मुझे ये फोटोग्राफी करना, क्योंकि सब तरह की फोटोग्राफी करना उनके लिए संभव नहीं है। सबके पास इतने अच्छे कैमरे नहीं है और इतना सेंस नहीं है जो फोटोग्राफर सीखकर एक अपना अंजाम देता है। इतनी ब्रांचेस हो गई हैं फोटोग्राफी में, प्री शूट हो गया है, शादी के पहले फोटोग्राफी जो प्री शूट होता है,
वेडिंग फोटोग्राफी हो गई, मैटरनी शूट हो गया है ना, और फेसबुक के लिए फोटोग्राफी हो गई है, मुझे शेयर करना है ये फोटोग्राफी हो गई है, पर वो आउटडोर पे ज्यादा हुई। तो आउटडोर फोटोग्राफी पे ज्यादा होने का ये रहा कि आपको किसी स्थान की जरूरत नहीं है, आप अपने एक सेल फोन से अपना कार्य कर सकते हैं। और यदि भी आप किसी दूसरे काम में बिजी हैं, आपका दूसरा जॉब है, तो उसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम में आप अपने क्लाइंट को अपने समय अनुसार, यदि भी उसको आपके रिजल्ट पसंद है, तो आप अपने समय के अनुसार उसको कहिए कि मैं इस समय आपके ये फोटोग्राफी कर सकता हूं। हालांकि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो नियत समय पे होते हैं, वेडिंग हुई या और ऐसे जो फंक्शन उनके रहते हैं, वो नियत समय, उस समय आदमी अपने दूसरे काम से समझौता कर लेता है। अब मैं आपको कल की ओर ले जा रहा हूं, तकरीबन 30-35-40 साल पुरानी बात ले जा रहा हूं, जहां हम फोटोग्राफी पे या हम सारे के बाकी फोटोग्राफर भाई बंधु जाते थे, तो उस समय वेडिंग में हमें 3-4 दिन सुबह और शाम लगना रहता था, हम बिजी रहते थे उस 3 या 4 दिन। आज ये फंक्शन है, आज ये फंक्शन है, कल ये फंक्शन है, आज मेला संगीत है, कल ऐसा फुल फुल फुल। और आप यकीन मानो कि बिल कितना बनता था, उस वेडिंग का बिल 500 से 5,000 रुपए यदि भी बन गया तो मान के चलते थे कि 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए बहुत 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 बड़ी बात। और आज आज कोई भी वेडिंग का बिल 50,000 रुपए से लेके 5,00,000 रुपए तक भी जाता है। कई फोटोग्राफर्स लगते हैं, कैंडिड फोटोग्राफी है, सोनोग्राफी है, ट्रेडिशनल फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, तो वहां की तुलना और आज की तुलना की जाए तो आज कितना स्कोप है। मान लेते हैं यदि आप 50% भी मार्जिन रखते हैं इसके अंदर अपनी मेहनताना का, तो उस समय जो हमें 500 या 600 रुपए में फोटोग्राफी पूरी वेडिंग की करके देना पड़ती थी, तो 50% भी मार्जिन रखते हो तो आप अनुमान लगा सकते हैं। और आज जब भी आपने एवरेज 1 या 2 लाख रुपए का भी आपका बिल बनता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी आपकी इनकम है। रोज वेडिंग्स नहीं होती है, मानता हूं, लेकिन कुछ छोटे काम, कुछ बाकी काम, कुछ मॉडलिंग फोटोग्राफी वगैरह 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 काफी काम होते हैं। कुछ तस्वीरों को बना के उसको अच्छे रूप में देना, कुछ पुरानी तस्वीरों को बना के उसको टचिंग फिनिशिंग करके एक नए रूप में देना, बाकी कुछ छोटे हल्के हल्के काम लगभग एक फोटोग्राफर के पास रहते हैं। पहले आप अपने बड़ों से, पूर्वजों से बात करिए, कभी पूछेंगे तो फोटोग्राफर यदि भी आपके पास आता था तो कैसे आता था, कौन से व्हीकल से आता था, तो वो आपको बताएंगे साइकिल से आता था, और कभी कभी वो तो बहुत बड़ा फोटोग्राफर था, वो तो बाइक से टू व्हीलर से आता था, तो बड़ा फोटोग्राफर है, टू व्हीलर से आता था, अदरवाइज साइकिल। आज आप खुद देख रहे हैं, आप जो छात्र है, छात्राएं जो भी हैं, आप खुद देखते हैं, एक एवरेज बात कर रहा हूं, ज्यादातर कोई अपवाद नहीं, कोई कुछ विचारे कुछ होना चाहिए, तो अपनी गाड़ियों से आते हैं, ज्यादातर 4-व्हीलर से आते हैं। उनका रीजन कि आज उनके पास इतनी इनकम है, जब भी वो मेंटेन कर रहे हैं। आप एवरेज देखिए, आप उसको समझिए कि कुछ लोगों को पेरेंट्स लोग जरूर अपने अच्छे साधन देते हैं, लेकिन ज्यादातर आप उनको ये देखिए, एक सपना था पहले कि मैं एक बंगला बनाऊं, एक फोटोग्राफर के लिए सपना था कि शायद कार कभी मिल जाए,
बंगला हो जाए, उस फोटोग्राफर के लिए सपना था। आज आज वो आसान है, आज आसान है। आप एवरेज देख लीजिए, जिसने 5-7 साल, 8 साल, 6 साल, 8 साल, यदि भी उसमें मन से काम करा है ना, ज्यादा ज्यादा उस काम पे फोकस करा, तो ये उसके लिए मामूली बात रहती है। फिर एक प्रश्न उठता युवाओं में, छात्र छात्राओं में, कि हमें कितना समय सीखने में लगेगा, और ऐसा तो नहीं हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, इस सोच को हटाना पड़ेगा कि हम सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। हालांकि आपकी किसी दूसरे काम में रुचि है तो आप उसको समझिए, आप कहीं ना कहीं आपके दिलों में, दिमाग में कहीं भी एक आर्ट का दिल में है कि मुझे एक आर्टिस्ट बनना है, या आपकी सोच वैसी है, आपकी नजरें आर्टिस्टिक है, चाहे वो पेंटिंग्स में हो या किसी में भी हो, तो उसके लिए फोटोग्राफर बनना बहुत ही आसान है। बनना तो सबके लिए है, पर उसके लिए और आसान है। कैमरा लेंगे आप, मोबाइल लेंगे आप उससे अपने फोटोग्राफ्स देखिए, अरे शेयर करिए, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या तकलीफ है, तो आप तो इंटरनेट के इतने साधन हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं कि आप उससे मालूम कर सकते हैं। और फिर तो फिर ऑटो भी है, कैमरा ऑटो मोड भी आप ले लेंगे ना, कभी आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कोई शॉट आपका मिस हो रहा तो ऑटो मोड पे चले जाए, हालांकि कम जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ जहां ज्यादा कंफ्यूज है तो ऑटो मोड पे चले जाए तो आपको रिजल्ट मिलना है। उस जमाने में कोई ऑटो मोड नहीं होता था, उस जमाने में तो आपने जो सोचा वही होगा, और आपने थोड़ा सा गलत सोचा तो वेस्ट, आपका फोटो, आपका शॉट भी गया, आपका क्लिक भी गया, आपका मार्जिन भी कम हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको एक 500 फोटो देना है किसी कंपनी को, किसी वेडिंग्स को, किसी इवेंट को, तो आप 5,000 फोटो एक्सपोज करेंगे, उसमें से आपको चुनके देना है कि आपका ये पेन ड्राइव में लीजिए, आपका मौका है कि गलत चीज को हटाया जाए। पहले मौका नहीं मिलता था, और उस जमाने में फोटोग्राफर को मतलब बड़ी संघर्ष में जिंदगी रहती थी। अब जो मैंने वो देखा है, वो इसीलिए बता रहा हूं, अब बहुत 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 ही आसान है। आज DSLR कैमरा आप लेते हैं, निश्चित उसको थोड़ा सा आप किसी से, जो आपके नजदीक फोटोग्राफर हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, उनसे समझ सकते हैं। आप उसको कभी घर के बाहर निकल गए, कभी परिवार के फोटोग्राफ्स लिए, कहीं आपको परेशानी आती, तो इंटरनेट के सहारे तो सब कुछ संभव है ये युग। और फिर भी अभी ऐसी कोई तकलीफ हो तो हम तो आपके लिए हमेशा तैयार हैं। अब मैं आगे आपको आने वाले समय की फोटोग्राफी के अनुमानित बात बताता हूं। आज जो समय है, आज का समय है, लगभग हर आदमी दिन पे दिन हॉट कॉपी से दूर होता जा रहा है, उनमें सॉफ्ट पे आ रहा है। क्योंकि उसमें आपको लेब पे भी जाने की जरूरत नहीं है कि मुझे एल्बम प्रिंट कर दीजिए, जरूरत है कम परसेंटेज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बड़े जगह बाहर फॉरेन में मैंने देखा, कुछ समय वहां दिया, वहां समझने की कोशिश करी, वही पैटर्न इंडिया में आता जा रहा है। अब एक
200 फोटो का एल्बम, 500 फोटो का एल्बम, जब मैंने मेरे इवेंट पे, मेरे प्रोग्राम में है, किसी तरह का भी प्रोग्राम में, जब 500,000 मेरे पास फोटो हैं, तो मैं सब सब सबको हार्ड कॉपी में नहीं ले पाऊंगा। अब तो ये सोचो कि मुझे हार्ड कॉपी की जरूरत ही नहीं, सिर्फ सॉफ्ट कॉपी से ही मैं मेरे मॉनिटर पे सब देख लूंगा, छोटे से पेन ड्राइव में दुनिया आ जाती है। तो इसके झंझट और कम हो गए। आपको डिजाइन करवाना एल्बम के लिए, प्रिंटिंग पे देना, इसकी कास्ट भी कम होती। फिर ये ऐसा नहीं है कि एक लक्स साबुन है जहां 20 रुपए में मिल रहा है और जो 19,000 रुपए में मिल रहा है तो हम वहां से लेंगे, क्योंकि वही ब्रांड है, वही चीज है, सब कुछ वही है। ये आपकी सोच पे है, इसकी कोई MRP नहीं है, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से है, ना तो भी किसी तरफ से। ये आप अपने काम को कितना अंजाम दे रहे हैं, आप कितनी क्वालिटी दे पा रहे हैं, आप फोटोग्राफी में कितनी स्टडी रख रहे हैं, आपका आउटपुट कैसा जा रहा है, उसके अनुसार रेट है। कोई बंधन नहीं है, आप एक व्यापार करेंगे, कोई भी शॉप खोलेंगे तो उस पर तो आपको मार्केट रेट से कुछ कम देने की वाली बात रहेगी, तो मार्जिन कम हो जाता है। इसमें आप जो आप में समझ है, जो आप में शक्ति है, उस हिसाब से आप पैसा ले सकते हैं। मैंने ऐसे भी फोटोग्राफर के आपको नाम बता सकता हूं जो एक वेडिंग के 20 से 30, 40 लाख रुपए लेते हैं और भी ज्यादा। उसमें दो बातें हैं, उनमें दो बातें कि एक तो उनका आउटपुट कैसा है और दूसरा वो एक अपना नाम सम्मान बना लेते हैं। आप युवाओं को मैं यही कहूंगा, इस दिशा में मनोरंजन भी है, एक अपनी पहचान भी है और खूब प्रॉफिट भी है। सभी जिन्होंने मुझे आपके सम्मुख करा, पूरा महाविद्यालय परिवार, मैं उसको पुनः पुनः धन्यवाद दे रहा हूं। जय जय। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारी ई वर्कशॉप का ही शीर्षक है, दिशा 2021, वाकई में फोटोग्राफी में आपने नई दिशा, ज्ञान दिया, नॉलेजेबल लेक्चर रहा आपका, बहुत ही ज्ञानवर्धक व्याख्यान था सर, हम बहुत ही लाभान्वित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि चैट बॉक्स में प्रश्न से लग रहा है आगे हम आपसे पूछेंगे, विद्यार्थी बहुत उत्सुक है। अब मैं जो हमारे सेकंड स्पीकर है उनके वेलकम और इंट्रोडक्शन, स्वागत और उनके परिचय के लिए इंग्लिश विभाग की डॉक्टर भारती श्रीवास्तव मैडम, जो विवेकानंद कैरियर सेल की भी कन्वीनर है और प्लेसमेंट सेल की भी कन्वीनर है, आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। हमारे जो सेकंड स्पीकर है श्री प्रतीक पंजाबी जी, उनके अतिथि स्वागत के लिए ओवर टू डॉक्टर भारती श्रीवास्तव मैडम। धन्यवाद रंजनी मैडम, प्रतीक जी। Pratik ji is the son of Mr. Ray Panjabi. He is the follower of his father and passionate for his work, and also concentrates on bringing out the emotions of every moment. According to his rules, give proper time to class and understand who they are and what are their expectations.
people interaction and weddings are Sheikh's favorite cup of tea. After completion of post-graduation, he worked for MSc for more than 1 year in the SER. And he quit his job and entered into photography field. For learning more in photography, he went to Australia and trained on cameras and adapted new technology with as far market and served their services all over the MP. He braved technology, not only service part, that is pre-wedding shoots, highlights, wedding teasers, cinematography, but also updated with all the camera equipment. Thank you. Over to Rana Man. बहुत धन्यवाद. हम अपने अतिथि स्पीकर को ही देते हैं मौका. सब आइए, सर स्वागत है. गुड आफ्टरनून एवरीवन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू कमिटी मेंबर्स हु गेव मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक समथिंग रिगार्डिंग फोटोग्राफी, द स्कोप इन फोटोग्राफी, द इंडस्ट्री, द डेवलपमेंट इन फोटोग्राफी and the career in photography. In this section, I will know you detail about the photography, the various industries in photography. Thank you. आपने सुना होगा कि हर माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा आर्मी में जाएगा, मेरा बेटा नेवी में जाएगा. कभी सुना है मेरा बेटा फोटोग्राफर बनेगा? करियर तो इसमें भी अच्छा है. तो आप लोगों को मैं आज बताऊंगा कि इसमें कितना करियर है, कितनी अपॉर्चुनिटीज है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितनी इंडस्ट्रीज है, कितना ग्रोथ हो रहा है पहले से लेके अभी तक. पहले का तो आपको मेरे गुरु सुरेश जी पंजाबी ने बता रखा है कि पहले कितनी डिफिकल्टीज फेस होती थी और अब कितना ईजी आ गया डिजिटलाइजेशन के बाद, कितना स्कोप बढ़ गया इस चीज में. अपन देख सकते हैं कि आजकल यूट्यूबर्स कितना यूट्यूबर्स कमा रहे हैं, कितना स्कोप है. कोई यूट्यूबर्स मोबाइल से करता है, कोई यूट्यूबर्स फोटोग्राफर हायर करता है. व्लॉग्स बनते हैं, कितने सारे व्लॉग्स चल रहे हैं आजकल, आप लोग देख रहे होंगे. ये सब फोटोग्राफी का ही पार्ट है. ये जरूरी नहीं है कि आप 10th के बाद या 12th के बाद डायरेक्ट फोटोग्राफी में आ जाओ. आप फोटोग्राफी के कोर्सेज करें पहले, इसको भले साइड बिजनेस रखें, आप अपना पूरा हायर एजुकेशन करें जैसे मैंने करा है. 10th करा, 12th करा, ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स में 2 साल जॉब करा, मेलबर्न गया, मेलबर्न में मैंगो कंपनी में जॉब करा, है ना. फोटोग्राफी पैशन था मेरा तो मैं वो सब रिजाइन करके, मुझे फोटोग्राफी में स्कोप लग रहा था और मैं सेटिस्फाइड हूं आज. मुझे 7 ईयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर, मैं फुल सेटिस्फेक्शन है, मुझे अच्छा स्कोप है और मैं आज आपके सामने बैठा हूं. तो आइए अपन बात करते हैं कि इसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं फोटोग्राफी के. अगर अपन इजी टर्म्स में बात करें तो कितना स्कोप है, कितने डिपार्टमेंट्स हैं. अगर पहले की बात करें तो पहले 2 फोटोग्राफर एक वेडिंग को पूरा कवर कर लेते थे और आज की बात करें तो 10 फोटोग्राफर भी कम पड़ते हैं. पहले भी क्राउड 500,000 होता था शादी में, आज भी क्राउड 500,000, 300, 400 रहता है, फिर भी 6-6 फोटोग्राफर्स लगे हुए हैं. कैंडिड फोटोग्राफी, भैया नेचुरल फोटोग्राफी जो कैंडिड फोटोग्राफी होती है, कैंडिड फोटोग्राफी फुल ट्रेंड में चल रही है आजकल. सिनेमेटोग्राफी, पूरी मूवीज का 3-5 घंटे मूवीज का पूरी शॉर्ट फिल्म 10 मिनट में, इसका स्कोप है पूरा. ट्रेडिशनल फोटोज, ट्रेडिशनल वीडियोस, यही चलता था पहले, ट्रेडिशनल फोटो, ट्रेडिशनल वीडियो. अब कैंडिड फोटोग्राफी बढ़ गई है, ट्रेडिशनल सिनेमेटिक बढ़ गया है, एरियल शॉट्स मतलब जो कि अपन जो ड्रोन बोलते हैं, इसमें पूरा स्कोप हो गया है. एलईडी वॉल्स हो गई है, भैया प्री वेडिंग करवाई है, डिस्प्ले करवानी रिसेप्शन पे, तो एलईडी वॉल्स लगने लग गई है आजकल. तो पहले वेडिंग फोटोग्राफी में और वेडिंग फोटोग्राफी में बहुत डिफरेंस है. अब अपन बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की, कि फोटोग्राफी में कितने डिपार्टमेंट्स हैं. जैसे मैं हूं वेडिंग फोटोग्राफर, वेडिंग फोटोग्राफर्स, पोर्ट्रेट फोटोग्राफर्स, फोटो जर्नलिज्म, फैशन फोटोग्राफर्स, ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं.
ना, तो वेडिंग फोटोग्राफी सिर्फ ये नहीं है कि आपने शादी करी और आपका काम खत्म हो गया। शादी से पहले प्रपोजल फोटोग्राफ, प्री वेडिंग फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, पोस्ट वेडिंग फोटोग्राफी, आजकल मैटरनिटी शूट का भी बहुत चलन है, प्रेगनेंसी फोटोग्राफी जिसको मैटरनिटी फोटोग्राफी बोलते हैं, बेबी शूट, बर्थडे शूट, ये सब वेडिंग फोटोग्राफर के अंदर ही आता है। आप एक बार कोई फैमिली से जुड़े हैं तो ये सब फोटोग्राफी के उसके अंदर में है। फ्रीलांसर फोटोग्राफर, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो ऑर्डर नहीं मिलने वाले, मुझे तो कौन जानता है ना, तो जो एक वेडिंग में 10 फोटोग्राफर लग रहे हैं तो वो लोग हायर करते हैं फोटोग्राफर, तो इसको बोलते हैं फ्रीलांसर फोटोग्राफर। आपको अच्छे फोटोग्राफर से कॉन्टेक्ट करें कि भैया मुझे, मेरे पास कैमरा है ये और मुझे आपके साथ काम करना है, तो ये फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी में आती है। मैं जाता हूं तो मुझे 10 बंदे लगते हैं फोटोग्राफी में, मैं अकेला, मुझे 9 फोटोग्राफर हायर करने पड़ते हैं। तो फ्रीलांसिंग फोटोग्राफी में बहुत स्कोप है ना। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, हर किसी को, कोई शादी में जा रहा है, कोई YouTube, Facebook, Instagram, इन सब के लिए फोटोग्राफी करवाते हैं, सोशल मीडिया के लिए फोटोग्राफी करवाते हैं, फैमिली फंक्शंस के लिए फोटोग्राफी करवाते हैं, तो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में भी अच्छा स्कोप है। आप एक स्टूडियो डाल सकते हैं, उसमें आप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। फोटो जर्नलिज्म, सर ने कल बताया ही था फोटो जर्नलिज्म का, भार्गव सर ने, तो इसमें शूट फॉर मीडिया, जो न्यूज चल रही है न्यूज चैनल्स के लिए शूट कर सकते हैं, इंस्टा के लिए, फेसबुक के लिए, सोशल मीडिया के लिए, ई न्यूज के लिए, भास्कर, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, पेपर, प्रिंट मीडिया, इन सब के लिए भी आप शूट कर सकते हैं, तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। फैशन फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी आज का जो युग है वो फैशन फोटोग्राफी में ज्यादा इंडल्ज है, ज्यादा इन्वॉल्व है। नई ड्रेसेस, या अपन बोल दें कि किसी ने नया लहंगा, कोई बुटीक वाला है, उसने अच्छा लहंगा डिजाइन करा है, अच्छा लहंगा डिजाइन करा तो डिस्प्ले कैसे करें लोगों को, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, तो इसके लिए भी फैशन फोटोग्राफीज होती है। शूज ले लिए अपन ने, ड्रेसेस ले लिए अपन ने, एक्स वाई जेड जो भी है, सब फैशन फोटोग्राफी के अंदर आता है ये। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, आप कोई सा भी स्पोर्ट्स ले लो, अगर अपन क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में ही 10 कैमरे लगते हैं, हर स्पोर्ट्स में, कोई सा भी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत फोटोग्राफी में स्कोप है। इन सब में यूज कैमरा है पर टेक्निक सबके अलग अलग है। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में हाई स्पीड करना पड़ता है, हाई एपरेचर करना पड़ता है ना, है सब कैमरा का कमाल पर टेक्निक्स डिफरेंट है। आप इसके लिए स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं, इंदौर में, उज्जैन में, दिल्ली में, मुंबई में फोटोग्राफी स्कूल्स होते हैं, वहां पर अपना इंटरेस्ट बताइए कि सर मुझे फैशन फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, सर मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, सर मुझे वेडिंग्स में इंटरेस्ट है ना, आप उनको गाइड करिए, आप उनको बताइए, वो आपको गाइड करेंगे कि इसमें इंटरेस्ट है तो इसमें क्या सेटिंग्स होती है, कैमरे की क्या टेक्निक्स होती है, क्या लाइटिंग अरेंजमेंट होता है ना। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी बहुत चल रही है आजकल, इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी, अगर आपको अब यहाँ पे दिल्ली में कोई होटल बुक करना है, मुंबई में कोई होटल बुक करना है, तो ये लोग अपने फोटोग्राफ्स वेबसाइट्स पे अपलोड करते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर्स, रूम्स, वॉशरूम्स, पूल एरिया, रिसेप्शन एरिया, तो ये सब शूट करने के लिए भी एक डेडिकेटेड बंदा रहता है, ये कोई मोबाइल से शूट नहीं करते। सपोज उन्होंने मोबाइल से शूट करा, क्वालिटी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं ना, तो अट्रैक्शन नहीं रहता है। तो आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी भी बहुत काम की रहती है। फूड फोटोग्राफी बहुत अच्छा एग्जांपल, अगर आप मैकडी ने या डोमिनोज ने कोई पिज्जा नया स्टार्ट करा है तो उनके कंज्यूमर तक कैसे पहुंचेगा कि ये कौन सा पिज्जा है ये, पर इसके लिए भी एक फोटोग्राफर हायर करते हैं, अदरवाइज फ्रीलांसर फोटोग्राफर रहता है। फूड फोटोग्राफी एक अलग डिपार्टमेंट है, उस इमेज को कितना खूबसूरत बनाना है ये पूरा फोटोग्राफर के हाथ में है, उसको किस टाइप से डिस्प्ले करना है, उसको किस टाइप से डिजाइन करना है, किस टाइप से अट्रैक्ट करना है, तो फूड फोटोग्राफी भी आजकल ट्रेंड में है। जोमेटो हो गया, स्विगी हो गए, जितने भी ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं, ये लोग सब फूड फोटोग्राफी पे ही डिपेंड है। एरियल फोटोग्राफी, ड्रोन फोटोग्राफी जिसको बोलते हैं, हर वेडिंग्स में ड्रोन फोटोग्राफी चल रही है। पूरे लॉकडाउन में पुलिस का या प्रशासन का जिसने सपोर्ट करा है तो वो ड्रोन ऑपरेटर ने करा है, कितनी कहां रश है, किधर कैसा है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वेडिंग्स में भी ड्रोन फोटोग्राफी बहुत यूज होती है ना,
ड्रोन परचेज करना बहुत बड़ा इशू नहीं है, 1-2 lakhs के अप्रोक्स में ड्रोन परचेज हो जाता है। आप फ्रीलांसर ड्रोन ऑपरेटर बन सकते हैं, फ्रीलांसर पायलट बन सकते हैं ना। हर कोई वेडिंग फोटोग्राफर 50% वेडिंग 60% वेडिंग्स में ड्रोन लगता है, चलाना बहुत इजी है। जहां से आप परचेज करेंगे वही आपको उसका ऑपरेशन सिखा देगा, किस टाइप से ऑपरेट होता है। नेचर फोटोग्राफी, सब्लिमेशन वर्क क्या होता है? सब्लिमेशन वर्क ये होता है कि कोई मग के ऊपर अपना अपना फोटो प्रिंट करवाना, कोई कैलेंडर के ऊपर अपना फोटो प्रिंट करवाना, कोई कीचेन के ऊपर अपना फोटो प्रिंट करवाना, बहुत सारी चीजें अगर ब्लूटूथ के ऊपर अपना फोटो प्रिंट करवाना, कैलेंडर्स बनवाना, ये सब सब्लिमेशन का पार्ट है। विद इन 50,000 रुपीज में इसकी मशीन प्लस प्रिंटर आ जाता है ना। अगर 100 फोटोग्राफर तो सब्लिमेशन की मशीन सिर्फ 5 लोगों के पास रहती है, इसका एक अलग डिपार्टमेंट होता है। मोबाइल के पीछे कवर पर बैक प्रिंटिंग करवाना, तो ये भी अच्छा स्कोप चल रहा है इस चीज का आज की डेट में। एमरेचर वर्क, अब एमरेचर वर्क ये होता है कि जैसे आपको कहीं पासपोर्ट क्लिक करवाना है, आपको कोई कोलार्ज बनवाना है, आपको कोई बड़ी फ्रेम बनवानी है, ये छोटा जो वर्क रहता है छोटा वर्क पर अच्छा स्कोप है इस चीज में भी। स्टूडियो, आप एक स्टूडियो ले सकते हैं, स्टूडियो रेंटल ले सकते हैं, उसमें आप एमरेचर वर्क पूरा कर सकते हैं। अगर अपन बात करें कि ये सब तो हो गया कि भैया ये सब फील्ड वर्क की बात है, मैटरनिटी शूट जाना, पोर्ट्रेट शूट जाना, वेडिंग शूट जाना, अगर गर्ल्स भी ये सेमिनार देख रही हो और ये बोले भैया हम तो ये नहीं कर सकते, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि मुझे यहाँ से मुंबई जाके शूट करना है, मुझे यहाँ से दिल्ली जाके शूट करना है, इंदौर जाके शूट करना है, नागदा के शूट करना है, फैमिली वाले अलाउड नहीं करेंगे, मैं फील्ड का काम नहीं कर सकती हूँ, उनके लिए भी फोटोग्राफी में स्कोप है। बैक ऑफिस वर्क, आप एक सिस्टम में बैक ऑफिस वर्क कर सकते हैं। बैक ऑफिस वर्क में क्या होता है? बैक ऑफिस वर्क में होता है एल्बम डिजाइनिंग। मैं वेडिंग करके आया, अब मैं पूरा काम तो मैं नहीं कर सकता, मैंने शूट भी करा, फोटो एडिट भी करे, एल्बम डिजाइनिंग, क्योंकि एल्बम डिजाइनिंग में टाइम लगता है। एल्बम डिजाइनिंग के लिए आपको कोई बंदा हायर करना पड़ता है, अदरवाइज आप कोई फ्रीलांसर डिजाइनर को जाके भैया चिप है या पेनड्राइव, इसमें फोटोज पड़े हैं, आप डिजाइन करके प्रिंट कर दो ना। ये बैक ऑफिस वर्क के गर्ल्स, इसमें अच्छा स्कोप रहता है, एज वेल एज बॉयज के लिए तो रहता ही है, पर फील्ड पे गर्ल्स नहीं जा सकती है तो उन लोगों के लिए एल्बम डिजाइन का अच्छा वर्क रहता है ना। सेम वीडियो का, वीडियो को मिक्सिंग करना पड़ता है, मिक्सिंग करना पड़ता है, हर वीडियो में इफेक्ट डालने पड़ते हैं। ये बैक ऑफिस की बात चल रही है, वीडियो में इफेक्ट डालने पड़ते हैं, वीडियो में सॉन्ग्स डालना पड़ता है, कुछ क्लिप्स कट करनी पड़ती है टेक्निकली रीजन से कि कुछ ब्लर शॉट्स हो गए हैं, कुछ रिकॉर्ड आधा हुआ है या कुछ हुआ, तो वो सब कट करना पड़ता है। उसके बाद क्लाइंट के पास 3 hours की 4 hours की प्रॉपर DVD पेनड्राइव जाती है ना। ये वर्क भी बैक ऑफिस का ही है, इसमें अच्छा स्कोप है। बॉयज तो कर ही रहे हैं ये, पर मेरा फोकस है कि गर्ल्स अगर फील्ड पे नहीं जा सकती, आजकल वैसे गर्ल्स फील्ड पे जा रही है, जैसे प्री वेडिंग की बात करते हैं तो प्री वेडिंग में एक डायरेक्टर की जरूरत होती है, तो गर्ल्स अगर डायरेक्टर बन जाती है कि किस टाइप से आपको शॉट्स लेने हैं, क्या मोशंस करवाना है क्लाइंट्स के साथ, तो वो चीज गर्ल्स ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकती है कंपैरिजन टू बॉयज। इसमें अच्छा स्कोप हो गया है। क्या प्री वेडिंग में 3 cameras हैं, एक गर्ल से जो डायरेक्टर है वो गाइड कर सकती है कि क्लाइंट को, कपल्स को इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है, इसके बाद ऐसा करना है। साथ में अपन चाहे एडिटिंग वर्क, सिंपल एडिटिंग वर्क की, जैसे किसी ने पोर्ट्रेट फोटो क्लिक करवाया है तो ये कंपलसरी नहीं, जिसको कैमरा चलाना आता है उसको कंप्यूटर ऑपरेट करना आएगा, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, बैक ऑफिस अलग डिपार्टमेंट, फील्ड का अलग डिपार्टमेंट है। तो बैक ऑफिस में आप फ्रीलांसर बन सकते हैं, अलग अलग स्टूडियो को 5-7 स्टूडियो से टाइप कर सकते हैं, उन टाइप करने के बाद आप उन लोगों का डेटा लेके आप एडिट करके उनको मेल कर सकते हैं, या हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, CD/DVD किसमें भी दे सकते हैं। आजकल बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं,
अगर कोई फोटोग्राफर है तो वो इवेंट वाले से टाइप भी कर सकता है, इवेंट वाला पूरा काम देखता है, टेंट डेकोरेशन लाइट आपका डीजे साउंड, वो फोटोग्राफर भी हायर करते हैं इवेंट वाले। आप लोग डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, आप लोग उनसे टाइप कर सकते हैं। तो इवेंट वाले से टाइप करिए, ये बहुत सारे फील्ड जो है मैंने आपको बताए हैं, ये सब चीज बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। मतलब आप देख सकते हैं कि मैं 7 ईयर्स की जॉब छोड़ के 7 ईयर्स फोटोग्राफी में लगा रहा हूं, है ना, ऑस्ट्रेलिया छोड़ के, मतलब ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ के अपने देश में आया हूं और फोटोग्राफी कर रहा हूं, तो बहुत अच्छा स्कोप है, ट्रस्ट रखिए। मैं मैम से बोलता हूं, नंबर शेयर करेगी, किसी टाइप का भी डाउट हो आप लोगों को, टेक्निकली डाउट है, अदरवाइज स्कोप के बारे में डाउट है, आप पर्सनली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। या आपको ये पूछना है कि कौन से स्कूल अच्छे हैं भैया, कौन सा क्या है, किधर किधर जाना चाहिए, सर्टिफाइड कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए, डिप्लोमा करना चाहिए, है ना, इन सब के लिए मैं आपके हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने शुरू किया था अपना व्याख्यान कि अपने बेटे को इंजीनियर डॉक्टर सी या आईएएस बनाना चाहते हैं, मुझे लगता आज जिन्होंने भी आपका व्याख्यान सुना वो गर्व के साथ अपने बेटे या बेटी को फोटोग्राफर बनाना चाहेंगे। क्योंकि मैं खुद जब इतनी इंस्पायर हुई हूँ तो जो बच्चे हमारे विद्यार्थी सुन रहे होंगे तो उन्हें भी लगेगा कि नई विधा, और जो केवल सेल्फी तक सीमित ना हो उसको वो अर्निंग भी कर सके, ऐसा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक जी, हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि अब हमें अच्छे उज्जैन में तो कम से कम अच्छे फोटोग्राफर मिलेंगे। आप दोनों गेस्ट स्पीकर को मैं धन्यवाद देते हुए उनका एक और बार हम आह्वान करते हैं कि पुनः वो हमें उपलब्ध हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे आए हैं और वैसे तो आपने अपने व्याख्यान में ही आंसर दे दिए हैं, पर फिर भी जो पूछे गए हैं उनमें से एक है प्रजापत जी, उन्होंने पूछा है हाउ कैन वी मास्टर द आर्ट ऑफ टेकिंग अ ब्यूटीफुल फोटो। मैम अकॉर्डिंग टू मी फोटोग्राफ्स को अगर आपको ब्यूटीफुल लेना है तो आपको लाइटिंग अरेंजमेंट का बहुत ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। मैम हर कोई परचेज कर सकता है महंगे कैमरे, 5 लाख के कैमरे इसने परचेज कर लिए, 4 लाख के कैमरे इसने परचेज कर लिए, सबके पास कैमरे सेम हो गए, है ना। अब बात है आपके आर्ट की, आपको 6 लोगों के पास सेम कैमरा है पर इमेज 6 की अलग आएगी। आपकी क्रिएटिविटी की बात हुई, आप लोगों की लाइटिंग अरेंजमेंट की बात हुई, आप लोगों की सोच की बात हुई, आप लोगों के एंगल की बात हुई, है ना, तो एंगल की बात हुई। तो मेरा सिंपल सा आंसर है इसका कि आपको प्रॉपर लाइटिंग अरेंजमेंट सीखना पड़ेगा एक ब्यूटीफुल इमेज को निकालने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद सर। प्रजापत जी सहमत होंगे। सर एक और क्वेश्चन विभा दवे जी का है, हाउ डू यू एजुकेट योर सेल्फ टू टेक फोटो। एक्सपीरियंस ही है जो आप एजुकेट कर सकते हैं अच्छे फोटो लेने के लिए। आजकल तो बहुत इजी हो गया है, आप कोई अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करिए इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, आप अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करिए, उनका देखिए किस हिसाब से वो लाइटिंग का सेंस है, कौन सा कैमरा यूज कर रहे हैं, Q&A सेशंस करते हैं और अच्छे फोटोग्राफर्स, है ना, आपका जवाब मिलता है, तो आप उन लोगों को फॉलो करिए। नहीं समझ में आ रहा तब YouTube करके उस टॉपिक पे पूरा देखिए, तो आप एक ट्रेंडिंग में चलिए। मतलब ऐसा नहीं कि जो ट्रेंड चल रहा है ये वाला लेंस नया आया है तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि मेरे पास वही कैमरा है मैं उसी से वाला आउटपुट निकाल दूं, वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा इन्वेस्टमेंट जरूर है पर इन्वेस्टमेंट के बाद रिटर्न बहुत ज्यादा है। थैंक यू सर। हमारे यहाँ के गुप्ता सर, उन्होंने एक विचार रखा है, फोटोग्राफी इज एन आर्ट बट फोटोग्राफर डू नॉट शेयर दैट मच सोशल ऑनर। फोटोग्राफी इज एन आर्ट बट दे डू नॉट शेयर सोशल ऑनर। मैम सर का कोई गलत फोटोग्राफर से पाला पड़ चुका होगा 100%, ऐसा नहीं है। मैं पूरा सोशल हूँ। एक बार किसी फैमिली में गए 4 साल पहले, आज तक वो कॉल करते हैं, फ्रेंड टर्म्स फैमिली टर्म्स सब कुछ बन जाता है। आर्ट तो है ही है, जनरली सोशल भी होना चाहिए। आर्ट सेकंड है, पहले सोशल ज्यादा है। आप सोशल हो, किसी से आपने अच्छे से बात करी है,
तब जाके वो आपके आर्ट को समझेंगे। पहले ही फोटोग्राफर के नेगेटिविटी है तो कितना भी अच्छा फोटो क्लिक कर दो वो उनको अच्छा नहीं लगना है। सर एक और जो महत्वपूर्ण लगा मुझे भी, व्हाट इज मॉडल फोटोग्राफी? व्हाट इज मॉडल फोटोग्राफी, एक दबे मैडम ने पूछा है। मॉडल फोटोग्राफी कोई चीज होती है? मैं मॉडल फोटोग्राफी इन द सेंस फैशन फोटोग्राफी मान सकते हैं। मैंने आपको जिस हिसाब से बताया था कि कोई बुटीक वाला है उसने बहुत अच्छा लहंगा या बहुत अच्छा इवनिंग गाउन या उसने स्टिच करा है, अब उसको दिखाना है कि मैंने कितना अच्छा स्टिच करा है, तो वो एक मॉडल को हायर करते हैं, वो अपना आउटफिट उनको पहनाते हैं फिर उसका शूट करते हैं, है ना। ये एक एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट है, तो ये है एक मॉडल फोटोग्राफी। थैंक यू सर। सर एक और, जैसा आपने वैसे बोला भी था अपने व्याख्यान में कि फोटोग्राफी सर्टिफिकेट कोर्सेज की कुछ अगर मतलब बता पाए एक दो, जैसे काफी कम ज्ञान है हमको, वैसे तो दिन भर हम फोटोग्राफी करते हैं, पर जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो कहाँ से मतलब बच्चे ले पाएंगे? मैम अगर मैं दोनों बात करता हूँ, दूर की बात भी करता हूँ पास की बात भी करता हूँ, मैम वर्ल्ड का रिचेस्ट फोटोग्राफर वेडिंग फोटोग्राफर है या रिचेस्ट मॉडल फोटोग्राफर, वो है डब्बू रत्नानी जी, है ना। डब्बू रत्नानी जी अपनी क्लासेस रन करते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बड़े फोटोग्राफर्स हैं जो कि अपनी क्लासेस रन करते हैं, सर्टिफाइड कोर्स रहता है, 1 to 2 months का। ये तो हो गया मैम दूर की बात, इन्वेस्टमेंट ज्यादा। अगर अपन क्लोज की बात करें तो आप इंदौर में ही 3 to 4 फोटो स्कूल्स है, फोटोग्राफी स्कूल्स, जो कि 2 months में आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे देते हैं। मैं अगर नाम लूं तो पवन पवार सर हो गए ना, पीयूष सर हो गए, विवेक सर हो गए, पवन पवार फोटोग्राफी ना, पीयूष खत्री फोटोग्राफी है ना, दिनेश वर्मा फोटोग्राफी। इंदौर में 3 फोटोग्राफर्स हैं, विश्वकर्मा सर भी हैं, 4 ऐसे हैं जो स्कूल्स रन करते हैं। वो 1 month या 2 months का कोर्स कराते हैं जिसमें वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, कैमरा प्लस एडिटिंग की प्लस कंप्यूटर की प्लस आपको फोटोशॉप की, लाइट रूम की, ये जो सब वो है अपना सॉफ्टवेयर है फोटोग्राफी के लिए, तो वो भी आप प्रॉपर ट्रेन करते हैं उस चीज के लिए भी। थैंक यू सर वेरी मच। सर बच्चों ने बिल्कुल समझा हुआ। सर लास्ट कुछ एक सोनव करके उनको इंटरेस्ट है, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ फोटोग्राफी? मैम पार्डन, What is your favorite subject of photography? एक स्टूडेंट पूछना चाह रहा है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? गुड मैम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वेडिंग फोटोग्राफी, जो मैं वही कर रहा हूँ, तो मेरा फेवरेट फोटोग्राफी है वेडिंग फोटोग्राफी। सर बहुत अच्छा लगा सर, और मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न थे उसमें जो दूसरे प्रश्न नहीं कर पाए उनको भी अपने उत्तर मिल गए हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज विशेष खुशी की बात बच्चों के लिए ये है कि हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर ने आपको अपने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया है, तो आप बाद में कभी भी पूछ सकते हैं। इससे ज्यादा प्रसन्नता की बात दिशा निर्देश के लिए नहीं हो सकती है। अब मैं जो कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है या जो कार्यक्रम पूरा जो संपन्न चल रहा है हर दिन का, day 3 का भी, उसमें हमारी प्राचार्य डॉक्टर अनिता मनचंदिया मैडम का बहुत ही प्रेरणा और ऊर्जा रही है हम सबके साथ। पर अभी ही जैसा कि हम जानते हैं हायर एजुकेशन में एकदम से काम आ जाते हैं, तो मैडम को महाविद्यालय में कोई मीटिंग के लिए जाना पड़ा, पर हमारे बहुत सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर गहलोत जी, सर को मैं आमंत्रित करती हूँ जो संरक्षक प्राचार्य और मुखिया के तौर पर हमेशा वैसे भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस प्रोग्राम में प्राचार्य उद्बोधन के लिए। तो डॉक्टर गहलोत जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद रंजना जी। मुझे सुन पा रहे हैं सारे लोग? जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल। थैंक यू। तो दिशा के शीर्षक से जो ये तीसरा दिन हम लोगों का बीता आज करियर मार्गदर्शन का, निश्चित रूप से विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही उपयोगी दिन था।
जिसमें जिस एक तरह के ऐसे करियर के बारे में चर्चा की गई है जिसका आउटपुट न सिर्फ कमर्शियल है लेकिन एस्थेटिक भी है। चूंकि हम स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हैं तो मेरे ख्याल से पेंटिंग फोटोग्राफी दोनों चीजों का एक तरह का मिलाजुला इम्पैक्ट हमारे लिटरेचर में भी देखने को नजर आता है। तो उस लिहाज से भी अगर इस पूरे एपिसोड को देखा जाए तो फोटोग्राफी एक बहुत ही आकर्षक करियर के रूप में अभी अभी उभर रहा है। खास तौर पे इसको आसान बनाया सबसे ज्यादा तो मोबाइल कैमरास ने, जिसमें भी तकनीक दिन प्रतिदिन नई आती जा रही है और उसको और उन्नत करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह के करियर के लिए आज हमारे जो विशेष उद्बोधन के लिए हमें उपलब्ध हुए महान फोटोग्राफर्स श्री सुरेश पंजाबी जी, श्री प्रतीक पंजाबी जी, और उनके इस उद्बोधन में निश्चित रूप से वो सारी चीजें कवर की गई हैं जो कि विद्यार्थियों को फोटोग्राफी एज ए करियर डेवलप करने में मदद करेंगी। निश्चित रूप से ये पूरा उद्बोधन जो कि फोटोग्राफी की शुरुआत से लेके आज तक की उन्नत तकनीकों तक के सफर को बयां करता रहा, इससे पूरी जानकारी विस्तृत रूप से विद्यार्थियों को मिली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये विद्यार्थी जो आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं इससे लाभान्वित हुए होंगे। फोटोग्राफी का जो स्कोप है वो तो आज की तारीख में वाकई इनफिनाइट है। नेशनल से लेके इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक हम इस करियर को और इस करियर की जो सबसे बड़ी खूबी है कि इसको आप करने में कभी बोर नहीं होते। फोटोग्राफी बोरिंग मतलब एक विशेष तरह की फोटोग्राफी जहां आपको टायर्डनेस वगैरह के बोरिंग वगैरह का सामना जरूर करना पड़ सकता है, वो जब आप उसको प्रोफेशनली एंगेज होते हैं तब। अदरवाइज एक मैच्योर फोटोग्राफर या बतौर हॉबी या फोटोग्राफी को लेते हैं तो वो आपको बड़ा ही मतलब सुकून देने वाला अनुभव होता है, बड़ा ही अपने आप को आनंदित करने वाला अनुभव होता है, स्पेशली अगर आप मतलब लैंड एंड पोर्ट्रेचर के ऊपर जाते हैं तो। तो ये आज का व्याख्यान बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही सूचनापरक था। मुझे उम्मीद है कि विद्यार्थियों को इससे काफी लाभ मिला होगा और वो फोटोग्राफी को एक करियर के बारे में सोचना शुरू कर चुके होंगे अब तक। तो वो चूंकि आप लोगों के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध हो गए हैं तो इससे जुड़े हुए संस्थानों के बारे में, प्रशिक्षण केंद्रों के बारे में आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं पंजाबी से, क्योंकि वो दोनों ही इस पूरे प्रोफेशन से एस्थेटिकली कमर्शियली जुड़े हुए हैं और उसके प्रोज और कॉन्स से बहुत अच्छे से परिचित हैं। आज के इस सारगर्भित व्याख्यान के लिए श्री सुरेश पंजाबी जी और प्रतीक पंजाबी जी को मैं संस्था की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक नया करियर का आयाम रखा जो कि उन्हें अपने फ्यूचर के लिए एक नई दिशा प्रदान करेगा। कार्यक्रम के आयोजन के लिए निश्चित रूप से IQAC और स्वामी विवेकानंद करियर सेल, डॉक्टर नीता तपन, डॉक्टर भारती श्रीवास्तव एंड डॉक्टर रंजना शर्मा, दे हैड बीन डूइंग अ वंडरफुल जॉब टुडे, सो ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ द फैमिली, ऑल्दो दे आर फ्रॉम अस, बट दे स्टिल डिजर्व थैंक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। Once again, thanks to all those who have been conducting the program. Vivek background mein rehta hai, lekin uske bina kaam adhura hota hai. Thank you so much, Vivek. Aur abhi is webinar mein jitne bhi vidyarthiyon ne bhag liya hai, un sab ko bhi shubhkamnaen ki ve gambhirta se soche is profession ke bare mein aur adhik jankari ke liye jo numbers unhe prapt hue hain uske upar sampark karte rahein. कार्यक्रम के आयोजन में भागीदारी करने के लिए पंजाबी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और ओवर टू द कंपेयर ऑफ द प्रोग्राम टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी।
सर एक मिनट सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपाती समय में जो उपयोग मतलब सहायता दे उसको बहुत धन्यवाद। तो आपको एकेडमिक इमरजेंसी कॉल में आपको मैंने कई बार उपयोग में, मेरा ही ऐसा हुआ रहा सौभाग्य कि मुझे आप उपलब्ध हुए, तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब विशेषकर सर तो हमारे संरक्षक के रूप में उद्बोधन दे ही रहे थे, उन्होंने आभार भी बहुत अच्छा मान लिया, उसके बावजूद आज की जो हमारे आभार मानने वाली या वोट ऑफ थैंक्स देने वाली मैडम है, जूलॉजी डिपार्टमेंट की हेड और सीनियर मोस्ट मेंबर है आईपीएससी सेल की डॉक्टर लीना लखानी मैडम, आपको भी मैं सादर आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि पूरा जो कार्यक्रम का आधार आभार पर ही डिपेंड रहता है। ओवर टू डॉक्टर लीना लखानी मैडम, आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैडम, आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद मैडम मुझे सुनहरे अवसर को प्रदान करने के लिए। जब समाज के समाजदार नागरिक अपने ज्ञान को समाज के अन्य नागरिकों को किसी विशिष्ट क्षेत्र में मार्गदर्शन देकर उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं, ज्ञान देते हैं, तो निश्चित ही वे बधाई एवं आभार के पात्र होते हैं, क्योंकि यही नागरिक समाज का ही नहीं देश के उत्थान में भी सहायक होते हैं। ऐसे ही महाविद्यालय के वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर दिशा 21 के माध्यम से आयोजित रोजगार मूलक 4 दिवसीय ई कार्यशाला में आज हमारे बीच फोटोग्राफी के क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं विषय पर जानकारी देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर्स श्री सुरेश पंजाबी व श्री प्रतीक पंजाबी अपने व्याख्यान के माध्यम से कई रोचक पूर्ण व तकनीकी कई नई जानकारियां बहुत ही सरल भाषा में हमें दी, हमें प्रेरित किया कि कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। श्री सुरेश पंजाबी जी ने कहा कि अपने क्षेत्र में कार्य के लिए पॉजिटिविटी लानी होगी और स्वयं में कॉन्फिडेंस डेवलप करना होगा, तो ही हम हमारे क्षेत्र में सफलता हासिल कर पाएंगे। आपने पुराने समय की फोटोग्राफी व आधुनिक फोटोग्राफी की कई नई रोचक जानकारियां दी, यही नहीं आपने अन्य देशों की फोटोग्राफी की भी जानकारी हमें प्रदान की, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं श्री प्रतीक पंजाबी, यहाँ मैं एक जनरेशन गैप की बात करूँगी, एक पिता का अनुभव और एक पुत्र का अनुभव। एक पिता ने जो पुराने ज़माने की फोटोग्राफी किस तरह से होती थी और किस तरह से उसको रोचक बनाया जाता था उनकी जानकारियाँ हमें दी, वहीं श्री प्रतीक पंजाबी ने जो आज की रिसेंट टेक्नोलॉजी से उनकी कई महत्वपूर्ण और कई रोचक जानकारियां हमें प्रदान की। आपने कई फोटोग्राफी के बारे में बताया, जैसे YouTube फोटोग्राफी के बारे में, प्री वेडिंग, वेडिंग फोटोग्राफी, जर्नलिज्म फोटोग्राफी, मैटरनिटी फोटोग्राफी, बर्थडे फोटोग्राफी, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स फोटोग्राफी, आर्किटेक्चर फोटोग्राफी आदि आदि कई नई हम लोगों को जानकारियाँ दी। अब जहाँ हम डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता था कि अब फोटोग्राफर्स की क्या जरूरत रह गई, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो कला की कद्र करते हैं वही फोटोग्राफर्स की भी कद्र करना जानते हैं। एक मोबाइल से की गई फोटोग्राफी और एक फोटोग्राफर के द्वारा की गई फोटोग्राफी में जमीन आसमान का अंतर रहता है। फोटोग्राफर उस कला में इतना रम चुका होता है कि जो सुंदर न दिखने वाली चीज होगी उसको भी वो सुंदर करके प्रस्तुत कर देता है। तो यही अंतर है कला का, कला की कद्र करने का। हम भले ही मोबाइल के माध्यम से कितनी भी फोटोग्राफी कर लें, कितने भी वीडियोस बना करके यूट्यूब पर या दूसरी जगहों पर अपलोड कर लें, शेयर कर लें, लेकिन एक फोटोग्राफर की कला
एक फोटोग्राफर की कला ही होती है और उसकी कद्र एक कलाकार ही कर सकता है। तो मैं आज संस्था की ओर से आप दोनों पिता पुत्र को दिल से धन्यवाद देती हूँ और आप लोगों का आभार देती हूँ कि आप लोगों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने क्षेत्र की हम सभी को दी है और निश्चित ही हम सभी आपसे लाभान्वित हुए हैं। और जो मैं आजकल के स्टूडेंट्स का और पार्टिसिपेंट्स का रुझान देखती हूँ फोटोग्राफी की तरफ, फिर भले ही वो मोबाइल के माध्यम से हो, तो मुझे लगता है कि आज 80% लोगों ने तो ये तय कर ही लिया होगा कि जो फोटोग्राफी का क्षेत्र है इसमें रोजगार के अवसर भी हैं और इसमें कई फायदे हैं, नेचर से जुड़ने के भी कई फायदे हैं। तो सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय देकर के हम सबको लाभान्वित किया है। मैं हमारी संस्था प्रमुख ऊर्जावान प्राचार्य डॉक्टर अनीता मनचंदिया, हालांकि वो किसी कारणवश किसी काम में बिजी होने की वजह से आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता नहीं कर पाई हैं, लेकिन मैं उनकी अनुपस्थिति में भी उनकी तारीफ करना चाहूँगी कि उनके सफल नेतृत्व की ही वजह से हम महाविद्यालय में रोज नई नई थीम लेकर के पार्टिसिपेंट्स का ज्ञान वर्धन करते रहते हैं। मैं धन्यवाद दूंगी, मैं आभार दूंगी आज के प्रभारी प्राचार्य और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री गहलोत सर का, जिन्होंने एक कम समय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा करके और इस कार्य रोचक बनाया। मैं सर की दिल से आभारी हूँ। यही नहीं, मैं सर से जब भी किसी एकेडमिक कार्य में मदद लेती हूँ तो वो मुझे जो काम कुछ घंटों का होता है वो मिनट में करके दे देते हैं और जिनमें कई दिन लगने होते हैं वो मुझे एक ही दिन में करके दे देते हैं। और जब मैं उनको थैंक्स कहती हूँ तो कहते हैं मैडम इसमें थैंक्स की क्या जरूरत है, आप जब भी इस तरह का कोई एकेडमिक कार्य हो तो मुझे आप दे सकती हैं। तो सर आपका भी मैं दिल से आभार मानती हूँ। मैं आभारी हूँ IQSE प्रमुख IQSE कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीता तपन की। मैं आज नीता तपन का दिल से प्रशंसा करना चाहती हूँ कि वो हमेशा एक नई थीम लेकर के महाविद्यालय के मंच से पार्टिसिपेंट्स को एक नया ज्ञान देती हैं अपने नए नए रिसोर्स पर्संस और नई नई थीम के माध्यम से। तो वाकई में नीता तपन मैडम आप धन्यवाद की और आभार की पात्र हैं। मैं आभारी हूँ अर्थशास्त्र की विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर नैन्सी चौहान की। उन्हें भी मैं देख रही हूँ कि वो कई दिनों से नई नई थीम के साथ में नीता तपन मैडम के साथ में महाविद्यालय के ई वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होकर के नए नए रिसोर्स पर्संस के माध्यम से पार्टिसिपेंट्स को नई नई जानकारियाँ देती हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं आभार मानती हूँ भारती श्रीवास्तव मैडम का, जो कई उपयोगी जो इस उपयोगी आयोजन को छात्राओं के लिए करवा रही हैं। मैडम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ हमारे पार्टिसिपेंट्स की और हमारे महाविद्यालय की प्रिय छात्राओं की और दूसरे महाविद्यालय के भी छात्र छात्राओं की, जिनकी उपस्थिति ही हमें प्रेरणा देती है कि हम रोज इस तरह के नए नए थीम्स के साथ में हम आपके साथ में उपस्थित हों और आपके साथ में ज्ञान का वर्धन करके आपको नॉलेज को दे सकें। अंत में मैं आभारी हूँ विवेक दुबे की और जिसने टेक्निकल सपोर्ट करके और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और मैं धन्यवाद देती हूँ रंजना व्यास मैडम का, बहुत अच्छे से उन्होंने आज के प्रोग्राम का संचालन किया है। और पुनः मैं रंजना व्यास मैडम को माइक देती हूँ आगे के संचालन के लिए। ओवर टू रंजना मैडम। मैडम आपके ऊर्जावान आभार के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आपने सभी
विषयों को, सभी विचारों को कवर किया, इसलिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और आप जो महत्वपूर्ण करी है इस पूरे प्रोग्राम की, इस फीडबैक लिंक, जब हमारे सभी साथियों विद्यार्थियों सभी को इंतजार रहता है, तो चैट बॉक्स पर फीडबैक लिंक आने वाली आप जरूर भरिए। और इस ई वर्कशॉप कार्यशाला का जो जो 4 दिवसीय है, उसका कल अंतिम दिवस है, 4th दिन है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग आईटी सेक्टर में भी कैरियर के प्रति जो दिशा निर्देश आपको मिलेंगे। तो आशा है कल भी हम आप सब परिवार के साथ जुड़ेंगे, और आप सबका बहुत धन्यवाद। और आप फीडबैक लिंक जरूर भरिए, और कल के 4th दिवसीय प्रोग्राम को भी जरूर अटेंड करिए। सभी को पुनः धन्यवाद। जस्ट खोलते हैं, जस्ट मेरे मेरे भी बढ़ जाए।